कमेटी मैंबर बी के यू क्रांतिकारी, उन्हां तो बाद सुखविंदर सिंह तुल्लेवाल पटियाला तो उस स्टेज के नेड़े ही रहन। सुखविंदर कौर सूबा कमेटी मैंबर बी के यू क्रांतिकारी हुण अपने विचार इस स्टेज तो सांझे करनगे। बहुत ही सत्कारयोग मेरे वीरों भैनों, अज फिर एक मैं तुहानू दुख भरी खबर सुनाउणी आ। पिछले कोई पंज क दिन पहला साढ़े लुधियाने जिले तो लकड़ां दी ट्राली लैके नौजवान आ रहे सी, ते आ मूरथल दे लागे आ के ट्राली जिहड़ा ट्रैक्टर सीगा वह खड्डे च वज्जण करके एक नौजवान डिग गया सी ट्रैक्टर तो। उस दिन तो ही उहदा इलाज आ जिहड़ा पहला इत्थे पानीपत होया, ते परसों DMC भेज दिता गया सी, ते अज ओह नौजवान बलकरण सिंह लुधियाने जिले का 22 साल नौजवान अज सवेरे DMC दे विच शहीदी पा गया। तो मैं इत्थों नारा लाउणा, बलकरण सिंह तेरा काज अधूरे, तुसी कहना ला के जिंदगियां करांगे पूरे। बलकरण सिंह तेरा काज अधूरे, बलकरण सिंह तेरा काज अधूरा। सो साढ़े 3 महीनों तो ज़्यादा हो गया आपां नूं इत्थे लड़दिआं नूं, हर रोज़ असी इहो जिहियां दुख भरियां जिहड़ियां खबरां उह सुण रहे हां। आपदे मोढ़िआं दे उत्ते अपने नौजवानां नूं, किसान वीरां नूं, बीबियां नूं ढो रहे हां। पर ये लड़ाई आ, ये जंग दा मैदान है, ये साथों कुर्बानियां दी मंग करदा। साडे कोले कोई चारा नहीं, साडे कोले कोई बदल नहीं। क्यों? क्योंकि साडे जिंदगी जीण दे जिहड़े 2-3 खेतर सीगे जिथों साडी जीविका चलदी सी। एक खेतर है साडी खेती जिहदे ते 70% तो ज़्यादा साडे मुल्क दी आबादी निर्भर करदी है, रोटी खांदी है। दूजा खेतर सीगा नौकरियां दा खेतर, जिहड़ा साडियां अखां दे सामने कंपनियां नूं सौंपता खत्म हो गया। ते अज साडे PhD कीते हुए बच्चे 7-7 हज़ार ते नौकरियां कर रहे हैं, ते बहुते जणिआं नूं ओह वी नहीं मिल रही। तीजा खेतर सी रुजगार दा, इंडस्ट्री सनत जिहड़ी कि हाकमां ने इत्थे लगणी नहीं दित्ती। खेती दे अंदर मशीनरी तो आई, पर खेती चों वेले होण वाले साडे मजदूरां लई, किसानां लई कोई बाहर रोजगार का मौका पैदा नहीं होया। तो साडे हत्थां दे विच्चों जिहड़ी खेतां च हो रही सी मजदूरी वह किर गई। साडे हत्थां दे विच्चों सरकारी नौकरियां का खेतर किर गया। तो साडे कोले एक चीज़ बची है, जमीन। उस जमीन दे उत्ते भी यह पहला हमला नहीं, उस जमीन दे उत्ते 1947 तो बाद जिहड़ा सब तो बड़ा पहला हमला होया सी वह ग्रीन रेवोल्यूशन, हरा इनकलाब जिन्हों कहिंदे आ, उहदे रूप दे विच हमला होया सी। हरे इनकलाब ने साडी जिहड़ी खेती सी, जिहड़ी कुदरती खेती सी, साडा जिहड़ा माख्यो मिठा पानी सी, वह जहरीला किया। साडे अनाज जहरीले किते आ, असी अनाजां दे भंडार भरते, पर किसानां दीआं जेबां खाली आ ते खुदकशियां कर रहे सी। जिस वेले किसान खुदकशियां कर रहे सी ते यूनिवर्सिटी सानू दस रही सी, साडी खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी दे माहर सानू दस रहे सी कि 20 किल्लियां तो घट वाली खेती करन दा फायदा नहीं।
ਅਸੀਂ ਲੋਕੇ ਸਮਝ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿੱਤੇ ਕਰ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਛੋਟੀ ਖੇਤੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਹੇ ਸੀ ਭੁੱਖੇ ਵੀ ਮਰ ਰਹੇ ਸੀ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਸ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ ਉਸ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਉਸ ਖੇਤੀ 'ਚੋਂ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਉਸ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਇਹ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਲ ਇਹ ਕਰਤਾ ਕਿ ਨਾ ਮੰਡੀ ਛੱਡਣੀ ਆ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਛੱਡਣੀ ਆ ਅਤੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਥਾਲੀ 'ਚ ਰੋਟੀ ਛੱਡਣੀ ਹੈ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਫਸਲ ਵੇਚਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਹੈਈਓ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੀਆਂ ਆ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੰਗਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬਈ ਆਹ ਮੰਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਸੁੱਟੀ ਦੀ ਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਭਾਅ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਚੀ ਆ ਬਹੁਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੈ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਫਸਲਾਂ ਵੇਚੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਦੂਜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਆਪਦੀਆਂ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰੋ ਪਰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਫੋਰਡ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਗਾਈਡ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਗਾਈਡ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਉਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀ ਇਉਂ ਕਰੋ ਆਹ ਹਰਾ ਇਨਕਲਾਬ ਅਸੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਡੁੱਬ ਗਏ ਉਸ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ 'ਚ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੱਸੂਗੀ ਖੇਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਆ ਕੰਪਨੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦੀ ਆ ਉਹਨੇ ਦੱਸਣਾ ਆਹ ਸਾਡਾ ਬੀਜ ਲਓ ਆਹ ਸਾਡੀ ਖਾਦ ਲਓ ਆਹ ਸਾਡੀ ਸਪਰੇਅ ਲਓ ਦਵਾਈ ਲਓ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਲੂ ਬੀਜਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਆਇਆ ਸੀ ਆਲੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਲੂ ਰਿੰਗ ਥਾਈਂ ਦੀ ਲੰਘੂਗਾ ਉਹ ਖਰੀਦਣਾ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹਰ ਫਸਲ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦੇਤੀਆਂ ਰੇਹ ਸਪਰੇ ਬੀਜਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਤਾ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਲਾਓ ਇਸ ਦਿਨ ਲਾਓ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਰਪ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੰਗਾਲ ਕੀਤੇ ਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ 2 ਕਿੱਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਮੂਹਰੇ ਖੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਸੀਂ SDM ਦੇ ਵਗ ਜਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ DC ਦੇ ਵਗ ਜਾ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੜਨ ਦਿੰਦਾ ਇਹ ਦੂਜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਜਿਹਦੀ ਚਰਚਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਘੱਟ ਹੋਈ ਆ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਤੀਜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹ ਆ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਜੇਬ ਖਾਲੀ ਕਰਨੀ ਆ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਛੋਟਾ ਤੀਜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚੋਂ ਮਾਲ ਸਾਰਾ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕ ਕੇ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ
सरकार दा कोई मतलब नहीं, तुसी जिस मर्जी भाव बेच सकते हो। जमाखोरी विरुद्ध 1955 का कानून सी जिन्हों खत्म करके नवा कानून लेके आंदा। ते अगली जड़ी सानू सलाह दे रहे हैं, बारी बारी खेती मंत्री कह रहा कि कलाज भाई कलाज साढ़े नाल क्यों नहीं तुसी गल करते। कलाज भाई कलाज एक एक पॉइंट ते गल करके असी दसता कि तिना कानूना नू वापस कराए तो बिना असी बचते नहीं। जे असी पहला कानून नहीं रद्द कराते साड़ियां मंडियां नहीं बचदियां, ते जे दूजा कानून नहीं रद्द कराते ठेका खेती वाला कंपनियां ने सानू कणक नहीं बीजन देनी। साड़ी जड़ी असी आपे बीजदे आपे खाने हाँ, खाने की जड़ी साड़ी सुरक्षा साड़ी थाली दे विच जड़ा खाना ये रहना नहीं है बाजार दे हाथ च चलिया जाना। कंपनी ने कहना सानू थोड़ी आ कणक नहीं चाहिए अलसी बीजो, अलसी दियाँ रोटियां नहीं खा सकांगे आपां। उन्होंने कहना आलू बीज दो, ये नहीं पता कहन साबूदाना बीज लो। उन्होंने देखना कि इंटरनेशनल मंडी दे विच साडा की बिकना, उन्होंने सब तो वह बजाउणा ते वह खरीदना खरूदना नहीं। जेड़े बारी बारी कह रहे हैं कि MSP जे MSP ते खरीदते होंगे तो पंजाब के किसान ने पिछले साल 600 नूं मक्की नहीं सी बीजी होनी बेची होनी, तो यही चीज़ वह हर फसल में करनी चाह रहे हैं। तो इस करके जदों कहते हैं कि किसान ने मुछ का सवाल बनाया होया तो इस स्टेज तो असं ये कहने ये साड़ी जिंदगी ते मौत का सवाल है, मुछ का सवाल इस सरकार वास्ते आ, मोदी वास्ते आ मुछ का सवाल, लोकां वास्ते जिंदगी जां मौत का सवाल आ। जे असीं इन्हां कानूनां नूं मन के चले जाने आ, सानू नहीं पता कि सानू 100 रुपये किलो आटा मिलना कि 200 मिलना, सानू नहीं पता कि जिहड़ियां फसलां आ जिवें बिहार दे विच खेतां च सड़कां च लोग ढेरियां लाई बैठे आ, सानू भी लाउणियां पैणियां, किसी ने चकनियां कि नहीं चकनियां, क्योंकि सरकार फैसला करी बैठी आ खेती दे विचों घटाउणी आ लोकां दी गिणती। ते उदू गहां जिहड़ियां महाशक्तियां वह फैसला करी बैठियां दुनिया की आबादी घटाउणी आ। सो इस हालत दे विच आपां सख्त स्टैंड लिया, तो इस करके असी रोज़ आपदे प्यारियां दीयां बच्चियां दीयां लाशां ढो रहे हैं पर पिछे नहीं हट सकते। असी यह लड़ाई जितते बिना नहीं मुड़ सकते, साढ़े कोले कोई चारा नहीं। यह लड़ाई जिन्नी भी मर्जी लंबी चले हर हालत सानू जित के जानी पैनी है, नहीं तो इतिहास ने सानू माफ नहीं करना। ये होर बड़े असर होने इन कानूनों के, समय की घाट करके मैं वह गल्लां छड़ रही हाँ, पर साढ़े कोले वीरो भैनों कोई चारा नहीं, कोई बदल नहीं, कोई पिछे हटने थां नहीं। जे पिछे हटने थां होंदी असी पिछे हट ही गए हैं, हुण तक नौकरियां गई असी पिछे ही हटे हैं। सो अखीर दे विच इन्ना ही कहना है कि पंडाल दे विच आपां गिणती पूरी रखिए, जिहड़ा भी सद्दा आउंदा स्टेज बनियों उहनूं चक्या करिए, ते उस सद्दे दे उत्ते पूरी लामबंदी करिए। चाहे आपां हुण हाड़ी बढ़नी आ, चाहे मूहरे झोना लाउणा, पिंडां दे विच धड़ा धड़ बीबियां दीयां कमेटियां बना रहे हां असीं लोक। वो बीबियां आउणगियां इत्थे, वीर आउणगे साडे, हर पिंड दे अंदर कमेटियां बन रही, घबराउण दी आपां नूं लोड़ नहीं। जनता का बहुत ज्यादा समर्थन है, पर आप चढ़ती कला च रहना, सारे ने कायम रहना। तो एक मैं गल करनी है, मैं समा थोड़ा जहा वध ले लिया, यह नहीं कि साडे कोल दा कोई असर नहीं हो रहा। रात बहुत लेट एक खबर देखी है कि बंगाल दे विच झारग्राम दे विच मुल्क दा गृह मंत्री गया सी रैली करन, लोग नहीं आए, लोग नहीं आए, तो प्रेस नूं कहिंदे जी, प्रेस नूं कहना वो हैलीकॉप्टर मेरा खराब हो गया मैं ता नहीं आया। तो चैनल जोड़े छोटे छोटे चैनल वो दिखाते, बड़े मीडिया ने जिक्र नहीं किया, जोड़ा गोदी मीडिया ने नहीं दिखाई ये चीज़ा,
छोटे यूट्यूब चैनल भालने पैंदे आ फोटो दिखाते हैं कि उत्थे कुछ सैकड़े भी बंदे नहीं सी ते मुल्क दा गृह मंत्री उत्थे रैली करन चलिया सी इन्ने क तां असीं पिंड च हाक मार दिए साढ़े उहीं वेखणी आ जांदे आ वी कौण आया गुरद्वारे सो इस करके भरावो इन्हां दी हार शुरू आ कल इन्हां दा परसों श्वेत मलिक एक गवर्नर आ मघालिया दा बीजेपी दा बंदा उहने किहा भी मोदी मन जा तू ये लोगों ने जे तू इन्हों कुछ नहीं दे के मुड़ेगा घट्टो घट 300 साल तक भुलते ही नहीं है सो इन्हों पता भी पंगा सी कि ले लिया हौली हौली इन्हों समझ आ रही है ये रद्द हो गए कानून रद्द कराए तो बिना आप नहीं मुड़ा इन्ना कहते हुए सारे का बहुत बहुत धन्यवाद जय जनता जित लड़न लोगों की बोले सो निहाल।